लुक एट हर गाइस, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा फुटेज नहीं ले पा रही। This is our room. Tada, messy room. Welcome to the messy room. Yes. And this is our small kitchen. Yes. Jam log coffee, tea and this kadha bana ke peete hain. No, this is not messy room. This is clean room. Yeah, this is very clean, but messy. His name Messy Lamb. This is my so many makeups जो मैं कर नहीं रही हूँ, but मैं लेके आती हूँ. यहाँ पे monkeys बहुत सारे आ रहे हैं बार बार हमसे मिलने, हमें हाय बोलने. क्योंकि अनायशा ने बनाना एंड कुछ कुछ खिला दिया उसे, बिस्किट्स वगैरह, तो वो बार बार इसी उम्मीद में आ रहे हैं. पूरी पूरी या पूरी भी खिला दिया, तो वो बार बार इसी उम्मीद में आ रहे हैं कि फिर कुछ मिलेगा, अनायशा फिर कुछ देगी. डेली डेली अनायशा कुछ कुछ खिला रही है उसे. सो लुक एट व्यूज गाइस. अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं. ये भी प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है और ये मसूरी में ही है और ये आई थिंक मॉल रोड से थोड़ी सी दूर पे है, तो थोड़ी ज़्यादा शांति है. बहुत व्यूज बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ से. और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं रिलैक्स कर रही हूँ. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं और मैं ज़्यादा रिलैक्स के मूड में हूँ, तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पा रही हूँ और अनायशा भी मुझे लेने नहीं दे रही है. एंड वैसे भी यार, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत होता है, अगर हम लोग जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हैं या कोई भी, मतलब अनायशा का जो चिल्ड्रंस के लिए प्ले एरिया है वहाँ पे भी यहाँ से बहुत वॉक करके जाना होता है या प्ले रूम में भी, या स्टेयर्स बहुत ऊंची ऊंची है, इसलिए भी बहुत मैं तो टायर्ड हो जाती हूँ, क्योंकि आई थिंक ये 2020 में चलने की आदत थी मेरी. वो हो गई है. मुझे लगता है ये ट्रिप के बाद मैं सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान दूंगी, आपको पता है पापा? फिटनेस. क्योंकि आई फील मुझे फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. मुझे अभी इस ट्रिप में आके मुझे यही फील हो रहा है. सोफा पे आके इसको हेलो बोल दो. क्लास पे अनायशा एंजॉय कर रही है विद हर टॉयज जो लेके आती है. अनायशा कहीं भी जाती है तो कुछ फेवरेट टॉयज है जो चाहिए होता है.
को डिसाइड करती है इस बार किसे किसे घूमी कराने ले जाना है ना। यस Hello. Hello. We are going to a new place. Yeah. Excited. New place. What happened? Oh, hi, yeah. Curve ahead.